नमस्कार मित्रों, मैं अनु त्रिपाठी आप सभी को तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। आज बकरा ईद है, बकरा ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। आज बकरों की कुर्बानी मुस्लिम बंधु दे रहे हैं, तो जिस तरह से आप बकरे की कुर्बानी दे रहे हैं, इसी तरह से अपने अंदर आत्ममंथन करें, अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं उनका भी अंत करें और उनको भी कुर्बान कर दें। आज की डेट में वही आपकी सही और सफल कुर्बानी होगी। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे मुद्दे पर। प्यारे मित्रों, मैं देख रहा हूं कि कार्ड को लेकर के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और लोग कार्ड बनवा रहे हैं। इतना कह सुनने के बावजूद भी लोग लगातार जुड़ रहे हैं। मैं बार बार वीडियो में कहता हूं कि जिन लोगों के कार्ड नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका कार्ड आपको बनकर मिलेगा। यदि आपको और भी ज्यादा जल्दी है तो आप लखनऊ आकर के तुरंत ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कार्ड बहुत सारे रखे हैं, लेकिन मेरे लिए अकेले इतने कार्ड देखना नामुमकिन है कि किसका है किसका नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कार्ड सभी के बने हैं, आप जब कार्ड भेजते हैं तो वो सारे कार्ड बन जाते हैं। दूसरी बात, मैंने देखा कि जब लोगों के साथ समस्याएं घटित होती हैं तो मेरे पास फोन करते हैं। चार जगह घूम कर आने के बाद जब काम नहीं बनता तो मेरे पास फोन करते हैं लास्ट ऑप्शन पर। मैंने उनसे कहा भी कि भाई संगठन क्या कर रहा है आपका, बोले भैया कोई नहीं सुनता है, मैं पीछे पीछे घूम रहा हूं। तो मैं ये जानता हूं कि अगर आप ऐसे फर्जी संगठनों में खड़े हैं तो ये आपकी मूर्खता है और आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यदि एक आपको सच्चे और एक अच्छे संगठन से जुड़ना है तो राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति से आप जुड़ सकते हो, और इसमें कोई दबाव नहीं है। फिलहाल पदाधिकारियों के नाम पर कोई पैसा नहीं लिया जाता कि पद देने के नाम पर पैसा लिया जाए, अभी फिलहाल नहीं मैं लिया जा रहा है। आगे का जो भी रणनीति बनेगा, जो भी हमारे संगठन के भाई बंधु कहेंगे, उस तरह से संगठन को चलाने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे लोगों की मैं तकलीफ देखता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भैया मेरे पास पैसे ना होने की वजह से मैं कार्ड नहीं बनवा पा रहा हूं। पहली बात तो मेरे भाई, 100-200 कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सच में परेशान हैं, ईश्वर के लिए देखिए, मैं कोई करोड़पति नहीं, क्योंकि अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो मेरी जेब से जाता है आपका। यदि आप सच में परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आप परेशान हैं और आपके पास नहीं उतनी व्यवस्था बन पा रही, तो आपके पास जो व्यवस्था बन रही है आप ईमानदारी पूर्वक हमें जरूर बताएं और अपना कार्ड जरूर भेजें, हम जरूर बनाएंगे। मैंने कसम नहीं खा ली है कि नहीं आप मतलब गरीब हो परेशान हो तो आपको इतना ही देना है लेना है। अरे अगर मान लो 10 कार्ड बन रहे हैं, 10 में 2-4 कार्ड अगर हम कह रहे हैं यार कुछ मिला या नहीं भी दिया तो भी आपका बनाएंगे कार्ड, लेकिन कम से कम बस झूठ मत बोलना, जो बोलना सच बोलना, हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। और फिलहाल अगर किसी जनपद में आना हुआ और वहां अगर मुझे कोई ऐसी तकलीफ दिखी तो जरूर मैं आप लोगों के कार्ड सभी के बनाऊंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप हो सके अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा कार्ड जरूर बनवा लें। आप जब 10 कार्ड एक साथ भेजोगे तो वो आपकी एक सीट पूरी बना करके हम तुरंत भेज सकते हैं। आप एक एक दो दो भेजेंगे तो भेजना नामुमकिन हो जाता है प्यारे मित्रों। दूसरी बात, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे कार्ड का प्राइस बढ़ाया गया है, तो कार्ड का प्राइस उन लोगों के लिए बढ़ाया गया है, यदि आप सिंगल कार्ड बनवा रहे हैं तो आपका खर्चा लगभग 300 रुपये आ जाएगा, क्योंकि अगर आप ये चाह रहे कि सिंगल कार्ड बना करके हम तक पहुंच जाए। यदि आप 5 कार्ड बनवा रहे हैं तो 250 रुपये का चार्ज लगेगा, यदि आप 10 कार्ड बना रहे हैं तो आपसे 200 रुपये ही चार्ज लगेगा। ठीक है भाई, मतलब जितना ज्यादा आप बनाएंगे उतना कम होता जाएगा, आप इस बात को मान लो। यदि आप यहां तक भी कह रहे हैं कि यदि अपने जनपद में सभी के बनवाना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि आप 50 कार्ड एक साथ बनवाना चाहते हैं तो वो 50 कार्ड आपको 150 रुपये के हिसाब से पड़ेगा। मतलब जितने ज्यादा बनवाओगे उतना आपका फायदा होगा, अब कम बनवाओगे तो इसमें मेरा भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि एक कार्ड के लिए मुझे उतना ही डीजल फूकना पड़ेगा, एक कार्ड उठाने के लिए मुझे उतना ही जाना पड़ेगा, एक कार्ड बनवाने के लिए मुझे उतना ही बैठना पड़ेगा, एक कार्ड भिजवाने के लिए उतना ही चार्ज देना होगा।
तो इसलिए बढ़ जाता है चार्ज। जब आपकी क्वांटिटी ज्यादा होती, कार्ड ज्यादा होते हैं, तो सेम सब कुछ वही खर्च हो जाता है, तो इसलिए उसमें समस्या नहीं होती और आपको सस्ता मिल जाता है। हम यहाँ कोई धंधा तो खोल के बैठे नहीं है कि आओ आओ भाई धंधा चल रहा है। भाई आपका जो 10-20-30-40 मुझे बच जा रहा है, वही जो कुछ समझ लो, मेरे पास बाकी कोई आपका कमाने का जरिया नहीं है आप लोगों से कि हम कोई करोड़पति बन जा रहे हैं। ऐसे तो जने कितने लोगों के कार्ड बना दिए हैं, वीडियो कर देख रहे हैं, उन लोगों ने पैसा तक नहीं दिया है, पता है आपको, तो जितना मिल नहीं रहा उससे ज्यादा नुकसान हो जा रहा है, पैसा ही तक नहीं भेजा है भाई साहब। अब बताइए यार, 200 रुपए के लिए मैं क्या भीख मांगू लोगों से, या भैया का पैसा भेज दो, भैया पैसा भेज दो, तो ऐसी तो नीयत है लोगों की। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि चौकीदारों से पैसा लिए बैठे हैं और अभी तक उनके कार्ड नहीं बन पाए। मैं उनको फिर अल्टीमेटम दे रहा हूं कि इज्जत के साथ पैसा भेजे और डिटेल भेजे, उनके कार्ड बनवा करके मैं तुरंत भेजू। बदायूं और फरुखाबाद के कई लोगों के कार्ड की डिटेल मेरे पास अभी नहीं आई है, तो जिसके पास भी है इज्जत के साथ दोनों चीजें भेज दीजिए। मैं एक महीने से कह रहा हूं, मैंने यहां तक भी कहा ठीक है आपकी तुम्हारी पर्सनल समस्या, तो पर्सनल समस्या मतलब ये नहीं होता ना कि दूसरों के पैसा इस्तेमाल कर लो, और अगर कर भी लिया तब भी मैंने कहा कि आधा तो भेजो, तो आधा मैं झेल लूंगा, बाद में दे देना भाई, वो भी नहीं हो रहा। लेकिन अब आधा नहीं, अब पूरा 1-1 रुपए और 250 रुपए के हिसाब से चार्ज आप भेजिए और कार्ड तुरंत बनवा के भेजिए। तो इस तरह का भी लोग जो करते हैं ना, मैं उनको यही बात बोलूंगा कि भाई मत करो। और उम्मीद ये कर रहा हूं कि सरकार फैसला जरूर आपके पक्ष में लेगी, लेकिन थोड़ा आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। इधर उधर अगर ऐसे मुंह मारते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोग हिम्मत रखिए, स्वाभिमान आपका जिंदा रखना भी एक हमारी जिम्मेदारी है, एक हमारा दायित्व है कि आप हमेशा सम्मान से जिए। लोग कहते हैं कि अनु भैया इस कार्ड से क्या होगा, थाने कार्ड और इस कार्ड में अंतर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि थाने का कार्ड आपका ड्यूटी कार्ड है जिससे आप ड्यूटी जाते हो, और जो ये संगठन का कार्ड है ये आपको सम्मान दिलाने के लिए बनाया जा रहा है, आपकी एकता का परिचय देने के लिए बनाया जा रहा है। यदि आप इस कार्ड को पूरे भारत में भी कहीं डालकर घूमेंगे तो आपका जो मान सम्मान होगा वो आप खुद देख पाएंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस कार्ड में आपको 3 से 4 पावर मिले हैं, नंबर 1 संस्था का, नंबर 2 संगठन का, नंबर 3 न्यूज का, नंबर 4 आपका अपना खुद का पावर। 4 पावर आपके पास आप लेकर के घूमेंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप कमेंट में लिखिए। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको करने दीजिए, लोग क्या कह रहे हैं सुनते रहिए, इधर से निकालते रहिए, आपके साथ अच्छा हो रहा है कुल मिलाकर। यदि अभी भी नहीं समझ पाए तो आपका फिर मुझे तो नहीं लगता कि कोई अच्छा कर पाएगा। आप सोचो कि ऐसे ऐसे संगठन लोग चला रहे हैं कि जिनको होमगार्ड से बात करने में उनकी पेशाब ढीली हो जा रही है, जब चारों तरफ से ऑप्शन बंद होते तब लोग मेरे पास आते हैं। अब एक कुशीनगर का भी मामला है, उस बेचारे का बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है, उसमें भी मैं दिमाग लगाऊंगा और उसको कोर्ट के द्वारा प्रशासन को सबक सिखाऊंगा, क्योंकि वहां भी सुनवाई नहीं की जा रही है। इसके अलावा भी एक मामला और आया है, एक ग्राम चौकीदार का जिसको दबंगों ने मारा लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं लिखी गई। तो ऐसे बहुत सारे मामले लगातार आ रहे हैं, आखिर इनकी कौन सुनेगा, इनकी आवाज कौन बनेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। जितने भी संगठन चल रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यदि आप लोग उनके दरवाजे पर नहीं पहुंच सकते या उनके लिए काम नहीं कर सकते तो क्या फायदा है संगठन चलाने का, बंद कर दो संगठन। लेकिन अगर हमारे पास मुद्दा पहुंचता है तो मैं बेशक ना पहुंच पाऊं लेकिन बैठे बैठे इतना तो कर ही देता हूं कि जितना हो जाना चाहिए। तो आपको विश्वास करना ना करना ये आपके ऊपर है। यदि अभी भी अनु त्रिपाठी पे भरोसा ना हुआ तो जीवन में चाहे कितना भी अच्छा व्यक्ति आ जाए तो तुम पे भरोसा ना, उस पर भरोसा कोई करने वाला नहीं है भाई। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।